ईगल यानी कि बाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने वाला बड़े आकार का एक ऐसा पक्षी जिसे सभी पक्षियों का राजा कहा जाता है। आसमान पर राज करने वाला एक ऐसा पक्षी जिसे सिर्फ ऊंचाइयों से ही प्यार है। ये धरती की तरफ तभी देखता है जब इसे शिकार करना हो, फिर चाहे इसका शिकार पानी के अंदर ही क्यों ना हो, ये वहाँ से भी अपने शिकार को खींच लाता है। आपने अक्सर इसे बिना पंख हिलाए आकाश में मंडराते हुए देखा होगा, लेकिन कमाल की बात तो यह है, यह आकाश में 1000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। कभी कभी तो यह मौसम के खराब होने पर बादलों को चीरकर उनसे भी ऊपर निकल जाता है और एक बादशाह की तरह ऊंचाई का आनंद लेते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं, अपने से बड़े शिकार को पंजों में दबाकर ऐसे उड़ जाते हैं जैसे इनके शिकार में कोई वजन ही ना हो। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बाज बड़े से बड़े शिकार को भी मार गिराते हैं। ये अपने से ज्यादा बड़े शिकार को ऊंची पहाड़ी से नीचे गिराकर मारते हैं और फिर उसे नोचकर खाते हैं। शायद इसीलिए ईगल को दुनिया का बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। कुछ बाज तो भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। इनकी एक कमाल की बात ये भी है, बाज पानी में तैर भी सकते हैं, लेकिन इन्हें फिर से उड़ान भरने के लिए पानी से बाहर ही आना पड़ता है। पानी में रहकर ये दोबारा उड़ान नहीं भर सकते। इनकी देखने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है, ये आसमान में रहकर भी धरती पर चींटी को देख सकते हैं। बाज की आंखें 30 डिग्री तक मुड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण इनके देखने की क्षमता बढ़ जाती है और इनके पंख पतले और मुड़े हुए होते हैं जो इसे तेज उड़ने और दिशा बदलने में मदद करते हैं। बाज के पंखों की उत्तरी अमेरिका में बहुत मांग है, लेकिन वहाँ बाज का शिकार अवैध है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है।